क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट आर स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर एंड डी सच दैट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाई डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर की पावर एक बटे दो. ओके, वी आर एक्स इज इक्वल टू एक्स वन कोमा एक्स टू, वाई इज इक्वल टू वाई वन कोमा वाई टू इज ए मैट्रिक स्पेस. क्वेश्चन के अंदर बेटा ये देखना कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि दे क्या रखा है. ध्यान से सुनना मेरी बात को. यहाँ कहना चाह रहा है कि आर स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं. ओके, ठीक है ना. आर स्क्वायर बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, आर स्क्वायर के अंदर जो एलिमेंट है ना बेटा वो इस तरह के एलिमेंट है. हो सकता है कि वन कोमा ज़ीरो हो, ज़ीरो कोमा माइनस वन हो, वन कोमा टू हो, टू कोमा थ्री हो एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप सोच सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक. ओके, आर स्क्वायर के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स दिए हुए हैं. एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया गया है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर, यानी ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और डी ऑफ एक्स वाई दे रखा है एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर की पावर एक बटे दो. ओके, और कह रहा है कि एक्स जो है ये जो एलिमेंट है एक्स कोमा वाई जो, ये कह रहा है कि एक्स और ये जो वाई है ये रियल नंबर के एलिमेंट हैं, इस आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं और ये भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिए हुए हैं. आपको दिखाना है दिस इज ए मैट्रिक स्पेस, दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन. ओके, आपको पता है कि मैट्रिक स्पेस शो करने के लिए मेरे को चार चीज़ें शो करना होती हैं. ओके, पहले वाली कंडीशन मेरे को दिखाना होती है कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. दूसरी कंडीशन मेरे पास होती है डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर किसके हो, वाई के हो. थर्ड कंडीशन मेरे पास होती है सिमेट्रिक कंडीशन होती है, डी ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए डी ऑफ वाई कोमा एक्स के. और चौथी कंडीशन मेरे पास होती है डी ऑफ एक्स वाई होना चाहिए बेटा, डी ऑफ एक्स वाई होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई के. अगर ये चारों कंडीशन पास होती है तो मेरे पास जो सेट होता है नोन एज मैट्रिक स्पेस. ओके, आगे की तरफ चले, मैट्रिक स्पेस की फॉर्म होती है, ठीक है ना. पहले वाले केस की तरफ देखते हैं. पहले वाला केस मेरे को सिद्ध करना है, वी वांट टू प्रूव दैट डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए. पहले वाला केस तो ये दे रखा है भाई आपको, डी जो दे रखा है बेटा आपको, डी ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, डी ऑफ एक्स वाई बराबर जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस के वाई टू का स्क्वायर की पावर एक बटे दो. ओके, यानी ये वाली दूरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए. यही है ना मतलब. अब यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा, मैं कह रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, ये निकल करके आया एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो कैसे होगा. यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है. आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर है ना क्वेश्चन परिभाषित. आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं सारे के सारे. ओके, कोई भी दो ऑर्डर पेयर उठाओ, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लो जो आपका दिल चाहता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी दो एलिमेंट लो. एलिमेंट लेने के बाद जो है उनके बीच की जो है ना ये वाला कंसेप्ट उनके ऊपर लगाने की कोशिश करो. कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लिया एक्स वन की वैल्यू जो है ना आपने ज़ीरो ले ली, वाई वन की वैल्यू जो है ना आपने पाँच ले ली, एक्स टू की वैल्यू आपने थ्री ले ली. ऑर्डर पेयर नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, वाई टू की वैल्यू आपने पाँच ले ली. आप यहाँ कंसेप्ट लगा करके देखो, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ही आनी है, 100% आनी है. देखो आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ऊपर चेक करके देखो, आप एक्स वन की वैल्यू जाना, अगर आप एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर वाई वन बराबर वाई टू जो सबसे सबसे खतरनाक एलिमेंट है, अगर आप ज़ीरो भी लेते हो
ओके, ये भी सारा जीरो हो जाएगा, ये भी सारा जीरो हो जाएगा, जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दोनों में से कंडीशन पास होनी चाहिए, तब भी कंडीशन पास है। पूरे रियल नंबर के अंदर से आप पॉजिटिव एलिमेंट लो, लेकिन नेगेटिव एलिमेंट लो, कुछ भी ले लो, एक निकाल करके दिखा रहा हूँ। मान लिया एक्स की वैल्यू आपने दो ले ली, वाई की वैल्यू माइनस के तीन ले ली का स्क्वायर, प्लस एक्स टू की वैल्यू आपने पाँच माइनस के पाँच ले ली, वाई टू की वैल्यू माइनस के दस ले ली आपने, सपोज दैट माइनस के वन ही ले लो का स्क्वायर। देखो आप ये वैल्यू कितनी निकल करके आई, अगर मैं इसको हल करता हूँ, ये निकल करके आई वन प्लस के छत्तीस निकल करके आई ना, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो है भाई। सैंतीस जो है ना, क्या ग्रेटर दैन जीरो नहीं है क्या? उनसे तो बड़ा ही है, सीधी सी बात है भाई। ओके, ग्रेटर दैन जीरो, ओके, कंडीशन तो पास हो रही है। अगर आप जीरो जीरो भी लेकर के चलते हो, कंडीशन तो तब भी पास हो रही है। ओके, यानी ये कंडीशन हर पोजीशन में जो है ना पूरे तरीके से पास हो रही है। आप कुछ भी करो तो जाहिर सी बात है, मैं ये सीधा सीधा बोल सकता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट छिपा हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर से आप कोई भी चार बिंदु लो जो आपका दिल चाहता है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू जो भी आपका दिल चाहता है, जो भी का मतलब जो भी, अंडर रूट में ले लो, बगैर अंडर रूट के ले लो, एक बटे दो ले लो, दस बटे बीस ले लो, पचास बटे सौ ले लो, वन अपॉन अंडर रूट थ्री ले लो, अंडर रूट पी बटे क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ये कंडीशन फ्लॉप नहीं हो सकती पूरे रियल नंबर सिस्टम के ऊपर। देखो आप, जब नहीं फ्लॉप हो रही है, पहली कंडीशन तो पास हो चुकी है। सेकेंड कंडीशन बेटा, इसके बाद प्लीज़ सेकेंड कंडीशन देखता हूँ क्या है। कंडीशन नंबर टू, सेकेंड कंडीशन आपकी पास होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई के। चलो, सेकंड सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए बेटा, डी ऑफ एक्स वाई होनी चाहिए किसके बराबर? जीरो के। इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर किसके हो? वाई के हो। चलो, डी ऑफ एक्स वाई जीरो के बराबर करता हूँ, ये जीरो के बराबर रखता हूँ, ये प्रूफ करता हूँ। ओके, फिर रिवर्स देखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई को जीरो के बराबर रखो, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी है, रखो जीरो के बराबर, कितना होगा भाई? एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर की पावर एक बटे दो इज इक्वल टू जीरो। यही है ना, यही है ना। आगे चलते हैं, देखता हूँ क्या आता है। ओके, चलो भाई, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, इसको फिर लिख रहा हूँ मैं, ये होगा बेटा एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर की टोटल पावर एक बटे दो बराबर ज़ीरो। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा बोथ साइड, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पहले की तरह, एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? अब यहाँ से सोचूंगा, ठीक है ना। एक बात बताओ मेरे को, ज़रा समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूँ। ये मेरे पास कोई एक रियल नंबर है, पूरे का पूरा कोई ना कोई, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, ये निकल करके आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस के 2x1 y1, फिर यहाँ आएगा प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस x2 y2। मैं इसको अपने माइंड के अंदर कोई भी रियल नंबर मान लूँ, सपोज दैट ये पूरे का पूरा एक रियल नंबर ए है, सारे के सारा जो भी इसका रिजल्ट है। ओके, और ए बराबर जो है वो किसके है, इधर लिख करके दिखा रहा हूँ, ए बराबर है आपके पास एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस के टू एक्स वन वाई वन है, और बी बराबर किसके हैं आपके पास, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस टू एक्स टू वाई टू के बराबर है। यही तो निकल करके आएगा ना, एक्स टू वाई टू के बराबर। इस पूरी की पूरे नंबर को मैंने एक रियल नंबर मान लिया, प्लस एक दूसरे नंबर को मैंने क्या मान लिया, दूसरा रियल नंबर मान लिया, दोनों का जोड़ किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना, जीरो के बराबर, दोनों का जोड़ जीरो के बराबर है ना। अब सोच करके देखो आप, दो रियल नंबर का जोड़ जीरो के बराबर कब हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी ये होगी, अगर ए बराबर, दो रियल नंबर का जोड़ जीरो के बराबर कब हो सकता है बेटा, अगर ए भी जीरो के बराबर हो और बी भी जीरो के बराबर हो। ओके, समझ में आती है मेरी बात? अगर ए भी जीरो के बराबर हो और बी भी जीरो के बराबर हो, तब दोनों का जोड़ जीरो के बराबर होगा। क्लियर? अगर बाय चांस आप कहोगे कि सर ए बराबर माइनस के बी हो जाए, ओके, अगर ए की वैल्यू माइनस बी के बराबर हो जाए, यानी ये देखना आप, ये वाली वैल्यू जो है ना, अगर ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाए, ए की वैल्यू जो है ना किसके बराबर हो जाए बेटा, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाए,
पहले वाला केस देखते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ। अगर ए भी जीरो के बराबर हो जाए, बी भी जीरो के बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है जीरो प्लस के जीरो, आप कहोगे सर जीरो प्लस के जीरो इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, बात वैलिड हो रही है, क्लियर है ना। ओके आगे देखते हैं, दूसरा केस ये निकलता है कि ए बराबर हो माइनस के बी के। अगर ए बराबर माइनस बी के है सपोज दैट, तो ये हो जाएगा माइनस के बी प्लस के बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। ओके यानी ये वाली क्वांटिटी इसके नेगेटिव के बराबर हो, बट दिस इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर्स हैं। जीरो को छोड़ करके आप कभी भी जो है ना ए की वैल्यू डाल करके देखो, बी की वैल्यू दूसरी, कोई चार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले करके देखो आप, कोई भी, जैसे मैंने लिया था एक्स वन इज इक्वल टू वन ले लो, वाई वन इज इक्वल टू टू ले लो, एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री ले लो, और एक्स फोर इज इक्वल टू सपोज दैट फोर ले लो, उसके ऊपर ए और बी इस तरीके से सपोज करके देखो, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अर्थात ये क्वांटिटी जीरो के बराबर तभी हो सकती है जब ये भी जीरो के बराबर हो और ये भी जीरो के बराबर हो, वही करने जा रहा हूँ मैं। ओके ये सब का सब सम जीरो के बराबर तब हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप करके देखो यार, काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करके देखो, पॉसिबिलिटी नहीं है। कब होगा भाई ये तभी होगा अगर एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, एंड साइमल्टेनियसली चलना चाहिए और ना हो एक्स टू का स्क्वायर माइनस वाई टू का स्क्वायर किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। अगर ये जीरो के बराबर है तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा बेटा, एक्स वन माइनस के वाई वन इज इक्वल टू किसका, जीरो के बराबर। एक्स वन इज इक्वल टू किसके बराबर आ चुका, वाई वन के। और यहाँ से क्या निकल करके आया बेटा, एक्स टू माइनस के वाई टू किसके बराबर हुआ, जीरो के। एक्स टू बराबर किसके आ चुका, वाई टू के। समझ में आती है बात, कंसेप्ट क्या है, मेरे को दिखाना क्या है, मेरे को दिखाना है एक्स बराबर वाई। देखो आप एक्स बराबर वाई क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। अब यहाँ से देखो बेटा, एक्स वन कोमा वाई वन की वैल्यू देखता हूँ, एक्स वन कोमा एक्स टू देखता हूँ, एक्स टू बराबर, ध्यान से देखना, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, वाई वन है ना, एक्स टू की वैल्यू कितनी है, वाई टू है ना, और एक्स वन कोमा एक्स टू किसके बराबर है, x के बराबर है ना, y1 वन कोमा वाई टू किसके बराबर है, y के बराबर है। आपके सामने x बराबर y प्रूफ आ चुका। देखो आप यहाँ से दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये दो रियल नंबर का स्क्वायर है, ये दो रियल नंबर का स्क्वायर है बराबर जीरो के है। ओके ये जीरो तभी हो सकता है अगर ये वाली अलग से क्वांटिटी जीरो के बराबर हो और ये वाली अलग से क्वांटिटी जीरो के बराबर हो, अदरवाइज इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी या जो भी आप अपने दिमाग में सोच पा रहे हो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर ये अलग अलग जीरो के बराबर है तो सिचुएशन मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी। रिवर्स देखते हैं, अब उल्टा देखते हैं, ठीक है ना, रिवर्स देखते हैं इसका। ये तो इफ़ पार्ट था, इफ़ एंड ओनली इफ। सेकेंड पार्ट देखता हूँ मैं, अगर मान लिया जाए एक्स बराबर वाई के, अगेन x बराबर किसके है भाई, x बराबर y के हैं। चलो भाई अगर x बराबर y के हैं, देखो आप यहाँ से देखो तो जाहिर सी बात है यहाँ जो होगा x1 कोमा x2 बराबर होगा y1 कोमा y2 के। ओके क्लियर है ना, ऑर्डर्ड पेयर करो आप यहाँ से, रिवर्स चलो, x1 बराबर होगा किसके, y1 के। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, पहला ऑर्डर्ड पेयर पहले ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होगा, x2 बराबर होगा किसके, y2 के। यहाँ से रिजल्ट कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ से रिजल्ट निकल करके आ रहा है बेटा x1 माइनस के y1 बराबर होगा जीरो के, और यहाँ से रिजल्ट निकल करके आ रहा है x2 माइनस के y2 बराबर होगा जीरो के। और इनका स्क्वायर, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ, मेरे पास निकल करके आएगा x1 माइनस के y1 का स्क्वायर, ये भी जीरो के बराबर होगा। सेकंड अगर मैं करता हूँ x2 माइनस के y2 का स्क्वायर, ये भी जीरो के बराबर होगा। और अगर इन दोनों नंबरों को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ x1 माइनस के y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर किसका होगा, जीरो प्लस के जीरो होगा ना, जीरो, इसकी वैल्यू डालो, जीरो प्लस के जीरो बराबर किसका, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। और अगर मैं इसकी पावर एक बटे दो भी करता हूँ तो बराबर जीरो ही रहेगा। और ये वैल्यू किसकी है, डी ऑफ एक्स वाई की नहीं है क्या, डी ऑफ एक्स वाई बराबर किसके आ चुका, जीरो के नहीं आ चुका क्या। देखो आप रिवर्स तरीके से भी देखो, यानी ये हर हाल में डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई पे। सेकंड कंडीशन 100% पास, रत्ती भर भी डाउट नहीं। ओके लास्ट देखता हूँ भाई मैं, एक और भी बची है। एक मेरे पास प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, अगले वाली प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस की, के भाई जो मेरे को दिखानी है, लास्ट प्रॉपर्टी दिखानी है मेरे को, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लूँ उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा मैं। ध्यान से देखना है आपको, मेरे को दे रखा है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है
डी ऑफ एक्स कोमा वाई, डी ऑफ एक्स कोमा वाई दे रखा है मेरे को, एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर की पावर एक बटे दो, ये दे रखा है ना। और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक्स वन एक्स टू बराबर किसके हैं, एक्स के, वाई वन वाई टू बराबर किसके हैं, वाई के। तो जाहिर सी बात है जेड वन जेड टू किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा, क्लियर है ना। आगे चलता हूँ, अब की बार लास्ट प्रॉपर्टी मेरे को दिखानी है बेटा, डी ऑफ एक्स कोमा वाई मेरे को दिखाना है। वो क्या दिखाना है, लेस देन डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस के डी ऑफ जेड कोमा वाई, मेरे को ये दिखाना है बेटा। ओके चलते हैं भाई, मैं यहीं से उठाता हूँ रिजल्ट, ध्यान से देखना है। डी ऑफ एक्स कोमा वाई से, डी ऑफ एक्स कोमा वाई इसको मैं बराबर करके लिख सकता हूँ। वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, दे रखी है एक्स वन माइनस के वाई वन का स्क्वायर दे रखी है ना, प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का स्क्वायर, सॉरी का स्क्वायर की टोटल पावर एक बटे दो। अब देखो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है इसको क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बेटा, एक्स वन माइनस के जेड वन प्लस जेड वन माइनस के वाई वन और इस टोटल का स्क्वायर। देखो आप ये इससे ख़त्म हो जाएगा, यही निकल करके आएगा, प्लस इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एक्स टू माइनस के जेड टू प्लस जेड टू माइनस वाई टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और टोटल की पावर, इस टोटल की पावर एक बटे दो चल रही है। अब यहाँ देखो बेटा ये तो आ चुकी, अब ये चीज़ समझने की कोशिश करो आप, ध्यान से देखना, यहाँ एक्स वन माइनस के वाई वन है, एक्स टू माइनस के वाई टू है, इसका रिजल्ट इसको देखो बेटा क्या लिख सकता हूँ इसके बेस पे, ध्यान से देखना इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ से, इसको देखो आप, जब इसके अंदर जो है मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा लेस देन और इक्वल टू लगा करके, इसके ऊपर कंसेप्ट लगाऊँ आप, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, ये देखो आप यहाँ से, ओके इसको सीधा सीधा लिखा जा सकता है बेटा, एक्स वन माइनस के जेड वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस के जेड टू का स्क्वायर की पावर एक बटे दो, प्लस जेड वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बेटा जेड टू माइनस y2 का स्क्वायर, ओके की पावर, टोटल पावर कितनी एक बटे दो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक मिनी कॉस की इनइक्वालिटी होती है, ये उसका डायरेक्ट फार्मूला है, ओके आपको यहाँ से डाउट लग सकता है इसलिए मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, एक मिनी कॉस की इनइक्वालिटी है, ओके और आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा मिनी कॉस की इनइक्वालिटी के बेस पर इसको लिखा जा सकता है। और ये वैल्यू किसके बराबर हुई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो आप डी ऑफ एक्स वन जेड वन, एक्स जेड के बराबर नहीं होगी क्या, प्लस डी ऑफ जेड वन जेड वाई के बराबर नहीं होगी क्या, सवाल पैदा होता है ये होगी कैसे, देखो आप यहाँ से वैल्यू डाल करके देखो, निकाल करके दिखा रहा हूँ, डी ऑफ एक्स जेड, डी ऑफ एक्स जेड बराबर यहाँ है, पहले जो नंबर यहाँ है वो यहाँ है, यानी कितना होगा एक्स वन माइनस इसका फर्स्ट कंपोनेंट Z1 का स्क्वायर प्लस अगले वाला क्या होगा इसी का, ये देखो आप X2 इसी का कंपोनेंट चल रहा है, ये X1 X2 X2 माइनस Z2, ओके क्लियर है ना, X2 माइनस Z2 का कंप्लीट स्क्वायर की पावर कितनी एक बटे दो लिखा जा सकता है ना, ठीक इसी तरीके से ये लिखा जा सकता है। यहाँ एक डायरेक्ट फार्मूला लगाया है मैंने बेटा, उसका नाम होता है मिनी कॉस की इनइक्वालिटी, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए क्वेश्चन दे एमएससी की है बेटा, इनइक्वालिटी इसके जस्ट बाद मिनी कॉस की इनइक्वालिटी, बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है इसलिए डायरेक्ट मैंने फार्मूले का यूज़ किया है, इससे डायरेक्टली ये निकल करके आएगा मिनी कॉस की इनइक्वालिटी से, और यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास ये आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा डी ऑफ एक्स कोमा वाई, ये कंडीशन भी पास हो चुकी, सो दैट आप क्या कहोगे भाई, सो दैट डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए क्या है,
मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, ओके। फिर भी आपका अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।